बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर हाजिया इंस्टीट्यूट में ईडी की छापेमारी की कार्यवाही हुई है और लखनऊ से यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि लखनऊ दिल्ली की संयुक्त टीम छापेमारी कर रही है, बेस बड़े उद्योगपतियों के यहां ये छापेमारी चल रही है। हाजिया इंस्टीट्यूट में ईडी की छापेमारी की कार्यवाही जारी है, बेस बड़े उद्योगपतियों के यहां ये छापेमारी की जा रही है। लखनऊ से ये बड़ी खबर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हाजिया इंस्टीट्यूट में छापेमारी चल रही है, ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि ईडी के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर बने हुए हैं। चंदन, क्या कुछ जानकारी है हाजिया इंस्टीट्यूट में ईडी की छापेमारी चल रही है? बिल्कुल योगेश, आपको बता दूं हाजिया इंस्टीट्यूट में जो है स्कॉलरशिप के मामले में 2017 में भी एक इनको नोटिस जारी हो चुकी थी। उसके बाद आज जो है दिल्ली और लखनऊ की संयुक्त टीम के द्वारा एक बड़े छापेमारी की जा रही है और प्रदेश भर के कई जिलों में जो है छापेमारी जारी है। हालांकि 5 से 6 घंटा हो चुका है और तकरीबन जो है 5 से 6 घंटा हो चुका है, लगातार छापेमारी चल रही है और आज की जो है छापेमारी है बड़ी छापेमारी मानी जा रही है। जी योगेश, बिल्कुल, इसके साथ बताया जा रहा है कि लखनऊ के साथ ही साथ मुंबई में भी छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल योगेश, राजधानी लखनऊ समेत और कई जिलों में जो है छापेमारी चल रही है। जो जो टीमें हैं वो दिल्ली से टीम आई हुई है, राजधानी लखनऊ में जो लखनऊ की टीम है दोनों की मिली भगत से और ये संयुक्त टीम के द्वारा ये छापेमारी चल रही है। इससे पहले हाजिया इंस्टीट्यूट को कई नोटिस जारी हो चुके हैं स्कॉलरशिप मामले में, लेकिन उसका जो है इन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था। उसके बाद आज जो है दिल्ली की टीम और लखनऊ की टीम हाजिया इंस्टीट्यूट पहुंची और करीबन 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, लगातार छापेमारी चल रही है। अब जो है देखने वाली बड़ी बात यह है कि छापेमारी में क्या चीजें निकल कर आती है और कौन कौन जो है इसमें सम्मिलित है। जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि कौन कौन से संयुक्त होगा और 6 जिलों में छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम सरकारी योजनाओं के लिए मिले धन के गबन में कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आज छापेमारी की गई है और ईडी की टीम के मुताबिक जिस तरीके से बताया जा रहा है कि फरुखाबाद निवासी डॉक्टर ओम गुप्ता से जुड़े संस्थानों के साथ ही अन्य 20 जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए चंदन वर्मा। और रुक करेंगे फरुखाबाद का जहां पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा है। कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ओपीए पीएमटी इंस्टीट्यूट कॉलेज पर छापा पड़ा है, मॉडल अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भी छापा पड़ा है, डॉक्टर ओम प्रकाश के हॉस्पिटल निवास पर भी छापेमारी की गई है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी छापेमारी की जा रही है और इसके साथ ही लखनऊ के साथ ही साथ फरुखाबाद में भी छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि लखनऊ आईआईएम रोड स्थित हाइजिया औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पर सुबह से ईडी की टीम की छापेमारी चल रही है और यहां पर टीम के पहुंचते ही मेन गेट को अंदर से बंद कर लिया गया था और इसके बाद मीडिया से लेकर किसी भी व्यक्ति के अंदर और बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि दरअसल स्कॉलरशिप स्कैम को लेकर के अधिकारियों से लेकर स्टाफ की टीम पूछताछ कर रही है और इसके साथ दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। इतना नहीं, ईडी के सूत्रों के मुताबिक ईडी के लखनऊ और दिल्ली के बीच टीमें लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फरुखाबाद और हैदरगढ़ में भी छापेमारी की जा रही है। ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। आपको बता दें कि फरुखाबाद में भी ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और कई संस्थानों में इस दौरान ईडी की टीम छापेमारी की जा रही है। ये बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि शिक्षा संस्थानों में ईडी की टीम की छापेमारी आज देखने को मिली है। डॉक्टर ओम प्रकाश के हॉस्पिटल और निवास दोनों जगह पर ईडी की टीम पहुंची है और जहां पर छापेमारी की कार्यवाही को अंजाम दे रही है। सुबह से ये छापेमारी कर रही है ईडी की टीम और लगातार अभी भी ये कार्यवाही जारी है और ईडी की छापेमारी से लगातार हड़कंप भी मचता नजर आ रहा है। कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदेश हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। आदेश, क्या कुछ जानकारी है? फरुखाबाद में ईडी की टीम पहुंची और ओपीआईएमटी इंस्टीट्यूट में छापेमारी की जा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, फरुखाबाद जनपद का मामला है जहां जो है लगभग सुबह 7 बजे ईडी की टीम बड़ी संख्या में पहुंची थी। इससे पहले मंत्री पोस्ट के साथ में जहां डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता का अस्पताल है वहां जो है मॉडल सेंटर है और जो है ओपीएमटी मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है कॉलेज है, वहां ईडी की बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे हैं जो लगातार पिछले 7 घंटों से छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं और अभी भी अधिकारी और ईडी की टीम अंदर मौजूद है जो दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है और मामले को छानबीन कर रही है। जी बिल्कुल, डॉक्टर ओम गुप्ता से जुड़े संस्थानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। इस दौरान डॉक्टर ओम गुप्ता के परिवार वालों की तरफ से कोई बयान आया क्या सामने आप तक?
देखिए मैं बता दूं, लगातार अभी किसी प्रकार का कोई बयान देने से बच रहा है, क्योंकि लगातार ईडी की टीम उनके आवास और उनके हॉस्पिटल और उनके इंस्टीट्यूट पर लगातार छापेमारी कर रही है। उनके तीन स्थानों पर छापेमारी चल रही है, जिस तरीके से उस तरीके से फरुखाबाद जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। ईडी लगातार जो है पिछले 7 घंटे से अंदर ही छापेमार कार्रवाई कर रही है और काले पूरे स्टाफ और पूरे जो है उनके परिजनों से लगातार पूछताछ जारी है और बाहर से जो है गेट को बंद कर दिया है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, जिस तरीके से कोई जो है अंदर की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए आदेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने बताया किस तरीके का ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है फरुखाबाद में भी। और अब रुख करेंगे उधर, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कहा है कि इस तरह के लोग बहुतों की कुर्बानी को बर्बाद कर रहे हैं। ओवैसी के इस बयान पर आचार्य परमहंस दास ने पलटवार किया है, सुनिए क्या कुछ कहा आचार्य परमहंस दास ने। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के जो उन्होंने कहा है कि बकवास कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं तो इनको पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि इनको पता लग गया है कि अब भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने का एक ही कारण है, मुसलमानों का जिहाद, मुसलमानों के द्वारा देश विरोधी जो अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र ही सर्वोपरि है और राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा वो किया जाएगा। इस समय सबसे बड़ा काम है राष्ट्रहित में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना और वो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। और करेंगे अब अगली खबर का, खबर यूपी के कौशाम्बी से है जहां पर लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर हिंदू युवती को मुस्लिम धर्म स्वीकार न करना महंगा पड़ गया है। आरोप है कि लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है और कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गोली मारकर घायल कर दिया है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि आरोपी प्रेमी महिला को उसके बच्चों से अलग मिर्जापुर जनपद में लेकर रहता था, वो मिर्जापुर में ही सरकारी एम्बुलेंस चलाता था। आरोप है कि उसने 2 दिन पहले मिर्जापुर में ही महिला की हत्या कर दी थी और इसके बाद शव को लेकर अपने गाँव आया था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले में महिला की मां ने आरोपी के खिलाफ धर्म परिवर्तन न करने पर जान से मारने की तहरीर दी है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर घटना की अब छानबीन में जुट गई है। देखिए, जबरन मतांतरण कराने और उसका विरोध करने पर एक युवती की निर्मम हत्या किए जाने के संबंध में कल थाना पश्चिम सरीरा पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसका जो मुख्य अभियुक्त आरिफ है उसके मिलने की सटीक जानकारी पर पुलिस बल पहुंचा था। वहां उसने अपने बचाव में पुलिस पर जानलेवा हमला किया था और तमंचे से फायरिंग की थी। क्रॉस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। कौशाम्बी से आपको बता दें कि कौशाम्बी में ये मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर इसलिए मार डाला क्योंकि वह इस्लाम स्वीकार नहीं कर रही थी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि मृतक की मां ने आरोपी के खिलाफ धर्म परिवर्तन न करने पर जान से मारने की तहरीर दी है और मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के अशाढ़ा गांव का है। जानकारी के मुताबिक बलिया के चचिया के रहने वाली 35 साल की चंदा सिंह की शादी करीब 15 साल पहले मऊ जनपद के गांव बेललौझा के रहने वाले दुर्गेश सिंह से हुई थी। दुर्गेश सिंह सेना के जवान थे, करीब 7 साल पहले उनकी मौत हो गई थी और इनसे 3 बेटियां हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद करीब 4 साल पहले अशाढ़ा के रहने वाले आरिफ हुसैन मऊ के स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस चालक के पद पर नौकरी करने के लिए गया था। वहीं उसकी मुलाकात चंदा से हुई और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और इसके बाद वह अपनी 2 बेटियों को लेकर आरिफ के साथ उसके गांव भी पहुंच गई थी और अब यह बड़ी घटना घटी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता इंतजार रिजवी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। इंतजार, क्या कुछ अपडेट है जिस तरीके से मामला सामने आया है लव जिहाद का सनसनीखेज मामला कौशाम्बी से? इंतजार,
चले संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि मृतक की बेटी ने बड़े आरोप लगाए हैं और आपको बता दें कि मारने पीटने के भी आरोप लगाए गए हैं। कुछ दिनों तक आरिफ और चंदा बच्चों के साथ गांव में ही रहे, फिर चंदा के साथ आरिफ मिर्जापुर में लिव इन रिलेशन में रहने लगा और दोनों बेटियों को आरिफ ने अपने पैतृक गांव में ही छोड़ दिया। आरोप यह भी है कि आरिफ ने कुछ दिनों के बाद चंदा पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा और चंदा की बेटी सृष्टि के मुताबिक उनकी मां की आरिफ पिटाई करता था और धर्म बदलने के लिए कहता था। आरोप है कि जब चंदा ने धर्म बदलने से मना कर दिया तो भरी पंचायत में ही उसकी पिटाई की गई है और सृष्टि ने बताया कि आरिफ ने तीन दिन पहले। और उधर यूपी में आज से बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है जो कि कड़ी सुरक्षा के बेस करवाए जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद हो गया है और बता दें कि बहराइच के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और एसपी प्रशांत वर्मा बारीकी से परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए नकलचों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और आपको बता दें कि इसके साथ ही यह भी कहा गया कि बड़े पैमाने पर पुलिस की टीम सभी परीक्षा केंद्रों पर तैनात की गई है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके। बहराइच से खबर है जहां पर यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा कराए जा रहे हैं, नकलची की खैर नहीं बताया जा रहा है और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इसको लेकर के सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और पूरी निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी विगत तीन महीने से हम लोग कर रहे हैं और इसलिए समय समय पर जो भी शासनादेश प्राप्त होते हैं उसके अंतर्गत सभी जितने भी बोर्ड की परीक्षा में तैनात किए गए हैं अधिकारी कर्मचारी जो भी जिस रूप में उन सबको प्रशिक्षित किया गया है, एक बार नहीं कई बार प्रशिक्षित किया गया। उसका परिणाम यह है कि सभी लोगों को अपने दायित्व का पूर्णतः भिज्ञ है और यदि कोई भी कर्मचारी अधिकारी अपने दायित्व के प्रति भिज्ञ होगा तो उससे कोई भी गलती होने की संभावना कम रहती है। सभी केंद्रों पर परीक्षा सुचितापूर्ण ढंग से चल रही है और हमारे साथ में आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय हैं। और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गुरुवार की सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। जंक्शन के पास दो मालगाड़ियां आमने सामने टकरा गई हैं और जिसमें मालगाड़ी के लोको पायलट घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया जहां उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। वहीं अधिकारी मौके पर पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया है। तो दो मालगाड़ियों की टक्कर हुई है, मालगाड़ी के लोको पायलट घायल हो गए हैं, घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। अभी रेलवे स्टेशन पर संभवतः दो इंजन आमने सामने आ गए थे और उनसे जो चार लोग घायल हैं, चारों ही ड्राइवर्स हैं और प्रॉब्ली दोनों इंजन के हैं सर। इनमें से दो लोग सुल्तानपुर के हैं और दो लोग जो है वाराणसी के हैं। गंभीर चोटें अभी तो फिलहाल नहीं है, किसी को ऐसा नहीं लग रहा, पेशेंट सभी स्टेबल हैं। फिर भी उनकी आवश्यकता अनुसार दो लोगों को हमने एडमिट कर लिया है और बाकी लोगों का इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, उनके एक्सरे सीटी स्कैन जो भी आवश्यकता होगी उनको भी कर। और खबर बांदा से है जहां पर बारात में घुसकर तोड़फोड़ और फायरिंग की गई है। तोड़फोड़ और फायरिंग का वीडियो अब वायरल हो रहा है। जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद दिखे एक बार फिर से, कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बांदा जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के नवाब टैंक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर तोड़फोड़ की गई है और जिले में अपराधियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, ये उपद्रवी नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर किस तरह से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बारात में घुसकर ये तोड़फोड़ की गई है, मारपीट की गई है। बांदा से खबर सामने आई है और ये तस्वीरें आप देखें किस तरह से बेलगाम युवक मारपीट करता नजर आ रहा है, आता है और अचानक हमला कर देता है और तोड़फोड़ करता नजर आ रहा है। लोग वहां पर बीच बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं हालांकि, और उसके बाद युवक वापस पीछे चला जाता है, उसको भेज दिया जाता है। किस तरह से बेलगाम नजर आ रहे हैं यहां पर एक बार फिर से अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बांदा से तस्वीरें सामने आ रही हैं।
जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री ने आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं से सरकारी जमीनों को खाली कराया जा रहा है, तो वहीं जनपद सिद्धार्थनगर में भू माफिया पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और जिले का प्रशासन भू माफिया पर नकेल कसने में नाकाम दिख रहा है। मामला तहसील सुहरतगढ़ के धनौरा एहतमाली का है, जहां एक शख्स ने सरकारी जमीन पर लगभग 50 बीघे पर अवैध कब्जा जमाया हुआ है और इस सरकारी जमीन को प्रशासन द्वारा खाली न कराए जाने को एक खबर भी चर्चा में अब बनी हुई है। सिद्धार्थनगर से खबर है जहां पर यूपी में सरकारी जमीन पर कब्जे जो किए गए हैं उनको खाली कराया जा रहा है। भूमाफिया पूरी तरह से हालांकि सिद्धार्थनगर में सक्रिय नजर आ रहे हैं, भूमाफिया पर नकेल कसने में नाकाम नजर आ रही है सरकार यहां पर, और इलाके में खबर भी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। कल इस संबंध में एक शिकायत मुझे प्राप्त हुआ है, उस शिकायत की हम जांच करा रहे हैं, जांच कराने के पश्चात जो सही होगा वो कार्रवाई की जाएगी। ये जांच कराई जाएगी कि क्या जमीन सीलिंग में है अथवा या सीलिंग से मुक्त है, इसको चेक कराया जाएगा। कल इस संबंध में ग्राम धनौरा एहतमाली का मैटर है जिसमें सरकारी भूमि लगभग 50-60 बीघे के करीब है, सरकारी अतिरिक्त सीलिंग भूमि के नाम से बहुत पहले से सारी खतौनियों में दर्ज होती चली आ रही। एक व्यक्ति फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया था, लेकिन 2015 के डीएम ने जांच किया और डीएम के ही जांच पर वो उसके नाम से उसको निरस्त किया गया। फिर उसने जो है लगातार उस जमीन पे लगातार काबिज बना रहा। एसडीएम का आदेश है, डीएम एसडीएम इसके पूर्व के एसडीएम ने लगातार उसको खारिज किया, उसके नाम को खारिज कर दिया और लगातार अब वर्तमान जो सोहरतगढ़ तहसील के प्रशासन पर अधिकारी हैं उसके कब्जे से मुक्त नहीं करा पा रहे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।